लॉकडाउन से पहले मेरी लाइफ काफ़ी ही बिजी और एक्टिव थी। दिन की शुरुआत होती थी सुबह के 4:45 बजे और तभी से शुरू होती थी दिन की भाग दौड़। उठते ही जिम और उसके बाद ऑफिस जाने की तैयारी, जब टाइम हमेशा मुझसे आगे भाग रहा होता था और मैं टाइम के पीछे। शाम को ऑफिस के बाद जाती थी YMCA डांस क्लास और 1 घंटे की डांस क्लास लेने के बाद घर आके करती थी डिनर की तैयारी। इस पूरे लाइफस्टाइल में मैं बस वेट करती थी वीकेंड का। और फिर आया ये नेवर एंडिंग वीकेंड यानी लॉकडाउन। स्टार्टिंग में मैंने इस लॉकडाउन को काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि दिन की शुरुआत 4:45 बजे से नहीं बल्कि आराम से 9 बजे होती और कोई भागा दौड़ी भी नहीं। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे से खाया और उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखा, पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया मैं खाना भी ज़्यादा खाने लग गई और उस खाने के बाद सोने भी ज़्यादा लग गई। और इसका असर मुझे तो नहीं पता लगा, लेकिन हाँ जी नमस्ते मम्मा, कैसे हो आप? आपको मेरी नई डांस वीडियो कैसी लगी? नई डांस वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू। बड़ी गोलू गोलू सी लग रही है उसमें। मैं यानी मोटी हो गई? नहीं मोटी नहीं हुई बेटा, वैसे गोलू गोलू सी, मोटी नहीं कह सकते। ओके चलो मम्मा सो, आप भी करते हैं फिर बात। ओके कल। गुड नाइट। और फिर हुआ सच्चाई से सामना। रनिंग और वॉकिंग, रनिंग होनी नहीं, बाहर धूप बहुत है, बाइसाइकिलिंग साइकिल है नहीं, एक्सरसाइज। फिर मुझे एहसास हुआ कि इस प्रॉब्लम का सलूशन मुझे ही ढूंढना पड़ेगा और मैंने अपने आप को चैलेंज किया 7 दिन में शेप में आने का। पहला दिन बिल्कुल जोश भरा था। एक्सरसाइज शुरू करते ही कुछ मिनटों के बाद मुझे पता लग गया कि ये जितना आसान दिखने में लगता है उतना है नहीं। मेरी बस हो गई, लेकिन मैंने इसे कंप्लीट किया। डे नंबर 2 में मेरा जोश लेवल 100% से 80% पे आ गया और मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ था। मुझे बहुत मुश्किल लगा, बट जैसे भी तैसे मैं एक्सरसाइज करती गई और मैंने अपना दूसरा दिन भी कंप्लीट किया। डे 3 पे बॉडी एकदम सोर हो चुकी थी और ऐसा लगा कि छोड़ो यार क्या करना है वर्कआउट करके, लेकिन किसी भी तरह मैं अपने आप को पुश करती गई और करते करते मैंने 60 मिनट्स का वर्कआउट तीसरे दिन पे भी पूरा कर लिया। और ये 60 मिनट का वर्कआउट मैं जिसे फॉलो करती थी उनका नाम है सिडनी, और ये 60 मिनट्स के वर्कआउट में कार्डियो, एब्स, एजिलिटी और सब कुछ कवर होता था। मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च करी बट मुझे ये बेस्ट लगा। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डे 5 पे आते आते मुझे अपने बॉडी में चेंजेस फील होने लग गए। मुझे लगने लगा कि हाँ बॉडी में कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं और मुझ में एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा आने लग गई और अब मैं वर्कआउट को इंजॉय करने लग गई। और इसी एंजॉयमेंट के साथ मैंने पूरा किया अपना डे नंबर 5। डे नंबर 6 यानी सेकेंड लास्ट डे। अगर मैं डे नंबर 6 को डे नंबर 1 से कंपेयर करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरा स्टेमिना अच्छे से बढ़ चुका था और मुझे कहीं भी बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने सारी एक्सरसाइज 100% करी और पूरा वर्कआउट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। तो आज है फाइनल डे, डे नंबर 7। ये पिछले 6 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। वर्कआउट करते टाइम बहुत बार ऐसा होता था कि बस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सारे पूरे किए।
कई बार बीच में एक्सरसाइज नहीं होती थी, बट जितनी भी मुझसे हुई मैंने पूरी करी, और उसके बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी, अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती थी। और आज मुझे अपना 200% देना है, क्योंकि इसके बाद होने वाले हैं रिजल्ट्स चेक कि कुछ मैं पतली हुई भी हूँ, कुछ रिड्यूस किया भी है कि नहीं। तो बाकी बातें करेंगे वर्कआउट के बाद। ये थे मेरे 7 दिनों के वर्कआउट का रिजल्ट। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैंने डाइटिंग बिल्कुल नहीं की, वो अपने बस की बात ही नहीं है। और आप सिर्फ ये देख सकते हो कि मैंने कुछ 2-3 हफ्ते वर्कआउट नहीं किया और उसका नतीजा क्या हुआ। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। और इस वीडियो से मैं एक ही चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो आप अपनी बॉडी की किसी भी तरह की शेप ला सकते हो, सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए। मैं भी अभी बहुत फ्लैट उसमें नहीं आई हूँ, मुझे भी बहुत मेहनत करनी है और वह मैं करूँगी। बट आप लोग भी प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेहत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तो सेहत आपका ध्यान रखेगी। हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, स्प्रेड हैप्पीनेस।